हाणे मां जंहिं शख़्सियत खे घुराइण वारी आहियां उन सां मुंहिंजो हिकिड़ो ज़ाती वास्तो रहियो आहे ऐं उन बुनियाद ते मां तव्हांजे साम्हूं चंद ॻाल्हियूं रखणु चाहींदमि। त जीअं मार्क्स इहा ॻाल्हि कई कि कंहिं बि समाज जी तव्हां तरक़ी जो अंदाज़ो हुन समाज में जेका औरत मौजूदु आहे उनजी हैसियत मां लॻाए सघो था, त मां चवंदमि त कंहिं बि इनकलाबी शख़्सियत जो अंदाज़ो तव्हां इन ॻाल्हि मां लॻाए सघो था त उहो घर जी औरत सां कीअं आहे, हुनजो वास्तो उन्हनि औरतुनि सां कीअं आहे जेके औरतूं हुन जूं भेणियूं भाइटियूं माइरूं आहिनि। कॉम्रेड बख्शल थलो हूअं त मुंहिंजो लीडर आहे, मुंहिंजी इंस्पिरेशन आहे, पर रिश्ते में मुंहिंजो चाचो बि आहे, त मां हुनखे इलाही नंढपिण खां ई मां हुनखे घर में ॾिठो आहे त उहो कीअं हिकिड़ो मुकमल किरदार थी करे साम्हूं ईंदो हो। ऐं इहा ई सॼी ॻाल्हि जॾहिं थींदी त सियासत मां तोखे छा मिलंदो ऐं तोखे पढ़ायो आहे, तोखे टंडो ॼाम यूनिवर्सिटी मोकिलियो आहे, तूं पढ़ी अच ऐं उनखां पोइ हिकिड़ो मिडिल क्लास टिपिकल मिडिल क्लास माण्हू वांगुरु सुठो कमाई ऐं पंहिंजी फैमिलीअ लाइ, त मां हे पंहिंजे नंढपिण में हिकिड़ो पहिरियों माण्हू ई ॾिठो हो जंहिं इन शऊर सां मुतारिफ़ करायो त ज़िंदगी में सिर्फ़ु पैसो कमाइणु स्टेटस को सां गॾु हलणु ई ज़रूरी नाहे, ऐं कुझु इनकलाबी आदर्श बि थींदा आहिनि, कुझु इनकलाबी ज़िंदगियूं बि थींदियूं आहिनि। मूंखे यादि आहे त मां इलाही नंढी आहियां, को मैट्रिक फर्स्ट ईयर में आई आहियां, त मूंखे पहिरीं जेका आहे कॉम्रेड हिकिड़ो किताबु ॾिनो आहे पीटर क्रोपॉटकिन जो, के टू द यंग नौजवाननि लाइ हिकिड़ो किताबु मूंखे ॾिनो अथई, जे हे हाणे उमिरि आहे, हे तोखे पढ़णु घुरिजे। उहो किताबु मुंहिंजी ज़िंदगी जो एॾो अहम किताबु हो, छो जो जॾहिं मूंखे पंहिंजे पीउ सां पंहिंजी पोज़ीशन रखणी पई पए, पंहिंजे घर में विहणो पियो पवे, ॻाल्हाइणो पियो पए, त उहो पीटर क्रोपॉटकिन जा उहे ई आर्ग्यूमेंट्स जेके हुन ॿुधाया आहिनि त तव्हां समाज में कहिड़ी रेडिकल तब्दीली कीअं था आणे सघो, उहो बख़्शल जो ॾिनल हो। अञा बि बख़्शल जे तारीफ़ में घणो कुझु आहे, मां घणो कुझु दिलि सां ॻाल्हाइण बि चाहियां थी, पर विदाउट मच अर्जू मां गुज़ारिश कंदमि पंहिंजे लीडर पंहिंजे इंस्पिरेशन खे त अचनि ऐं ॻाल्हि ॿोल रखनि था। जंग असांजी जारी रहंदी, जंग असांजी जारी रहंदी, जंग असांजी जारी रहंदी। महिरबानी महिरबानी साथियो महिरबानी, नामंज़ूर नामंज़ूर, महिरबानी महिरबानी। ग़ालिब जी सिटुनि सां त सभु कहा कुझु लालो गुल में नुमाया हो गई, ख़ाक में कया सूरतें होंगी के पिना हो गई। अॼोको ॾींहुं हीउ मेड़ाको जेको थियो आहे, मां सभ खां पहिरीं त उन मेड़ाके जे हवाले सां मुबारकबाद ॾींदुसि सिंध पार्टी खे ऐं ख़ासि तौर ते कराची पार्टी खे, ऐं उन में बि ख़ासि तौर ते कराची जे सदर शफ़ी शेख, जमाल नासिर ऐं हफ़ीज़ बलोच खे, त उन्हनि हीउ सॼो कुझु ऑर्गनाइज़ कयो। मां महिरबानी मञा थो उन्हनि समूरनि सियासी पार्टियुनि जी, खाबी धुर जी पार्टियुनि जूं, उन्हनि फोरम्स जूं बि जेके अवामी सियासत कनि थियूं पियूं, हिते सभु पहुता, असांखे मान ॾिनऊं, असां सां गॾु वेठा। अॼोको जेको हीउ मेड़ाको आहे, आज का जो ये दिन है, ये दो दुख हैं, हम आपस में जो बैठे हैं तो हम अपने दुख और खुशियां बांटने के लिए मिले हैं। तो दो दुख हैं, कौन यूसुफ मस्ती खान की बरसी है और हमारे पीआरएसएफ के नौजवान सदर कौन हफीज उर्फ कांबू खान, आज सिंधी में तो असर जो चवन उर्दू में अच्छा चलो उनके सोए में है आज उसका। तो ये दुख हैं और खुशियां भी हैं। आज अक्टूबर इस महीने में अक्टूबर इनकलाब की सालगिरह भी है और आज ही के दिन बाबा सिंध कामरेड हैदर बख्श जतोई का जन्म का दिन है। तो ये भी खुशियाँ भी हमारे विरसे में हैं और आपके विरसे में, उसकी भी आपको मुबारक। मैं समझता हूँ कि अगर जबान किसी भी जबान में सबसे कोई खूबसूरत लफ्ज़ है, लोग कहते हैं माँ भी है, हाँ माँ भी है, मगर अगर कोई और भी उससे खूबसूरत लफ्ज़ है तो वो आज़ादी है या इनकलाब है, इसके अलावा और कोई खूबसूरत लफ्ज़ हो ही नहीं सकता। ये इस नाम की मेहरबानी है इनकलाब की और आज़ादी की कि इसके साथ जुड़ने वाले सारे नाम खूबसूरत हो जाते हैं। हम आलमी कम्युनिस्ट तहरीक, बालशेविक मार्क्सिस्ट तहरीक के किन किन नामों को गिनवाएं, हम अपने अगर मकामी तारीख में भी सिर्फ दो चार ही नाम लें
तो हसन नासिर, नज़ीर अब्बासी, फानूस गुजर, हसन अस्करी, यूसुफ मस्ती खान, हफीज़ काम्बू और पता नहीं कितने लातादाद नाम होंगे जो कि खूबसूरत हैं, क्योंकि ये उस सफ़र के साथ थे, उस जिद्दोजहद के साथ थे जो कि खूबसूरत है, उससे कोई और खूबसूरत चीज़ हो ही नहीं सकती। क्यों उससे कोई और चीज़ खूबसूरत नहीं हो सकती? मैं सलाम तो देता हूँ, हम अपने आप को भी सलाम देते हैं, खुद तनकीदी भी होते हैं, हम कामरेडों का, मार्क्सिस्टों का वतीरा है कि हम खुद तनकीदी भी होते हैं मगर अपने आप को सलाम भी पेश करते हैं। जो भी अवामी वर्कर्स पार्टी, PRSF, WDF, पाकिस्तान ट्रेड यूनियन फेडरेशन, हमारी किसान कमेटियाँ, जो भी सरगर्म साथी हैं, उनकी जिद्दोजहद को मैं सबको यहाँ पर सलाम पेश करता हूँ। आज के हालात में, नफसा नफसी के दौर में, कहीं कोई उम्मीद भर नहीं आती वाली सूरत हाल जहाँ हो, वहाँ पे वो खड़े हुए, डटे हुए काम कर रहे हैं और वो मुमताज़ हैं तमाम दूसरे लोगों से। एक इनकलाबी सियासी कारकुन मुमताज़ होता है। कल भी मैं किसी दोस्त के साथ बात कर रहा था, आप तमाम दूसरे शोबों को देखें, आप किसी उस्ताद से मिले वो कहेगा तालीम का बेड़ा तबाह है, हम उस्ताद नहीं पढ़ाते, हम ड्यूटियाँ नहीं करते, जो भी अपने आप को वो कहे। आप सेहत के शोबे में देखें तो डॉक्टर्स यही कहेंगे कि सेहत तबाह है, कुछ नहीं हो रहा। वकला से मिलेंगे तो भी कहेंगे कहीं जस्टिस नहीं है, कंप्रोमाइज्ड है हमारी जुडिशरी, 460 अरब लेके मेरा टाउन के खाके बैठी है। हर शोबे का बंदा अपने शोबे को कोसता होगा, अपने पेशे को भी कोसता है, मगर ये इनकलाबी सियासी कारकुन है जो फ़ख्र करता है अपनी लेगेसी पे भी, अपने पेशे पे भी, और फ़ख्र से बताता है कि मैं इनकलाबी सियासी कारकुन हूँ। और ये फ़ख्र जो है हमें मुयस्सर, जो है ये इत्मीनान जो हमें मुयस्सर है, ये हमें उस तारीखी इनकलाबी तारीख की देन है, सोवियत इनकलाब की देन है, चाइनीज़ इनकलाब की देन है, क्यूबा की देन है, वियतनाम की देन है, अफ्रीका की, अंगोला की, कहाँ कहाँ के नाम लें, हर जगह के इनकलाबियों की देन है कि वो फ़ख्र हमारे पास है। मसले आज के जो हालात हैं मुल्क के और सिंध के, सच्ची बात तो ये है कि मेरी ज़ाती राय हो सकती है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं जिस पे डिस्कशंस हों या सेमिनार्स हुए हों, वो ये कि हम रूसी इनकलाब से भी सीखते हैं, चीनी इनकलाब से भी सीखते हैं, मगर हमारी हालत आज जो है ना वो ज़्यादा जो करीब है वो फ्रांसीसी इनकलाब के साथ ज़्यादा करीब है। कि आवाम की मुनज़िम कोई तंजीमी शक्लें इतनी मजबूत नहीं हैं, टूटी हुई हैं, बटी हुई हैं, मगर वो जुड़ भी रही हैं LDF और SLF की सूरत में, मगर जो रुजती तबकात हैं वो आखिरी हद तक मुल्की अस्करी नौकरशाही हो, उसके साथ मलिक रियाज जैसे सरमाएदार और जागीरदार और मजहबी तापसंद पीर मीर, इनका एक पावर ब्लॉक बना हुआ है जो पूरे तमाम 25 करोड़ लोगों का किस्मत का फैसला करते हैं, वो पावर ब्लॉक टूट रहा है। वो आपस में गुथम गुथाएँ, अभी कुछ कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं, इमरान खान की ट्यूनिंग चल रही है, अभी वो फिर बाएं बाजू की तरफ उनका रुख है। कांवड़ यूसुफ, अख्तर हुसैन और LDF के जो हमारे साथी थे जिन्होंने पिंडी में मुजाहरा किया, उन पर FIR काट दी उन्होंने। महंगाई नहीं कम करते, अमीरों पे टैक्स नहीं लगाते, जागीरदारों पे टैक्स नहीं लगाते, गरीबों से इनडायरेक्ट टैक्स लेते हैं। सारी महंगाई गरीब के लिए है, मेहनत कश के लिए, कतई नज़र कि उसका ताल्लुक किस लिसानी ग्रोह से है, किस कौम से है, मगर महंगाई वो सबको तबाह कर रही है। मगर जब आप उस महंगाई के खिलाफ पिंडी में आवाज़ उठाते हैं तो आप पे FIR काटती है। भाई FIR-ें जेलें हमारे बुजुर्गों की हमें देने, इससे डरने वाले नहीं हैं हम, फांसीयों से भी डरने वाले नहीं हैं। सिंध के हमारे मुर्शिद लतीफ़ ने कहा था, मरना आगे जे मुआ से मरी थे अनमात, हुंदा से हयात जियण आगे जे जिया। गालिब ने कहा था, मुझे क्या बुरा था मरना अगर एक बार होता। भाई हम बार बार रोज मरते हैं जब फातिमा फरोडो का केस देखते हैं, रोज मरते हैं जब सकरण में नहते किसानों के ऊपर गोलियां चलती हैं, रोज मरते हैं, रोज मरते हैं। 24,000 लोगों से ज़्यादा, 24,000 लोग रोज़ाना भूख या भूख से जुड़े असबाब की वजह से मरते हैं। ना कोई हिरोशिमा, ना कोई नागासाकी, ना कोई ऑपरेशन, ना कोई खुदकश बम्बार, मुआशी दहशतगर्दी हर किस्म की दहशतगर्दी से बहुत बड़ी होती है। मुआशी बुनियाद परस्ती
इकोनॉमिक फंडामेंटलिज्म, इकोनॉमिक टेररिज्म सब टेररिज्म से बड़ा होता है। बाबा फरीद ने कहा था पंज रुकन इस्लाम दे ते छेवा फरीदा टुक, छेवा नहीं मिलता बंदे नू पंजो जांदे मुक। वो टेररिज्म हमें आपने दिया है। और आवाम दोस्त कहते हैं भाई हमारा क्या होगा, भाई हमारे पास था क्या? मार्क्स ने तो बहुत पहले कहा था कि हमारे पास खोने के लिए जंजीरें हैं, मायूसी है, दरबदरी है, बीमारी है, भूख है, अफलास है, और हासिल करने के लिए पूरा जहान है। हमारे पास है क्या कि हमारा हमारे हाथ से जाएगा? हमारी तो जैसे तैसे थोड़ी ऐसे है वैसे कट जाएगी। आपका क्या होगा जनाब आली जो आज हमारे सर पे चढ़े बैठे हैं आप, और सदियों से चढ़े बैठे हैं, और अंग्रेज निपेयर की औलाद हैं आप। हम तो यहाँ के इंडिजीनियस धरती सन ऑफ सॉयल की औलाद हैं। हम होशु की औलाद हैं, हम हेमू की औलाद हैं, हम भगत सिंह की औलाद हैं, हम नज़ीर अब्बासी हैं। हम नहीं मरने वाले, अवाम नहीं मरता। जिस तरह थिएटर में तो हमारे दोस्तों ने दिखाया, अवाम उनकी वजह से नहीं है, जिस तरह कामरेड यूसुफ मस्ती खान ने समझाया। वो तमाम रुजती तबकात हमारी वजह से हैं, वो मुफ्त खो रहे हैं। हम मुफ्त खोर नहीं हैं, हम तो पैदा करते हैं, हम तो पूरे ज़माने को कुल्ली की तरह अपने चलाते हैं, उसको अपने कंधों पे रख के। तो साथियों अपने हौसले बुलंद रखें। मैं बार बार ये बात कहता हूँ, हमारी जैसी नस्ल ने बहुत ज़्यादा आलमी तब्दीलियाँ नहीं देखी, हमने कोई इनकलाबात नहीं देखे। हमारे सीनियरों ने देखे होंगे, अख्तर हुसैन बैठे हुए हैं और दोस्त बैठे हुए हैं, उन्होंने अफगानिस्तान में जो कुछ हुआ सोर इनकलाब देखा होगा, ईरान में भी देखा होगा, जो कि बाद में रद्द इनकलाब में बदल गए, मगर उन्होंने बहुत बड़ी तब्दीलियाँ देखी। मगर मैं कहता हूँ कि हम बहुत कुछ देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम बहुत कुछ देखेंगे। और सिर्फ देखने की बात नहीं है, हम उसमें अपना हिस्सा डालेंगे। हम अब किसानों को, तुलबा को, ख़वातीन को, मज़दूरों को, मेहनत कशों को, प्रोफेशनल्स को, सबको मुनज़्ज़म करके हम वो ताकत बनेंगे जो जो आवाम सदियों से ढूंढने चाह रहा है कि मेरा इजहार कहाँ है। वो हम उसका इजहार बनेंगे, हम आप सब इकट्ठे बनेंगे। कहते हैं खुदा की तरफ सामने बंदा अपने माँ बाप के साथ नहीं जा सकता, दोस्त के सामने नहीं जा सकता, जब भी खुदा के सामने जाएगा हिसाब उसे अकेले देना पड़ेगा। मगर जो योम हिसाब हम बात करते हैं वो अकेले की बात नहीं है, वो हम सब ने इकट्ठे देखना है। वो योम हिसाब हमने सब ने इकट्ठे उसके लिए जिदोजहद करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे। मैं आप सब दोस्तों का ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, बस ये कि छोटे मोटे तफावत जो हैं, एक तो मैं ये भी कहता हूँ कि एक तो हमारा रवैया हुक्मरानों ने ऐसा बना दिया है कि जो नेचुरल फिनामिनान होते हैं, आम मामलात होते हैं, हम उसको भी मसला करके समझते हैं। पहले हम कहते हैं ये मसला है, फिर उसको हल करने की कोशिश करते हैं। तंजीम के अंदर कहीं पे भी, घर में अंदर कहीं पे अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है तो वो मसला नहीं है, उसको मसला समझने वाला रवैया ठीक नहीं है। हम और ज़्यादा ताकत बनेंगे, हम LDF को मजबूत करेंगे, हम SLF को मजबूत करेंगे, और हम वो सब काम करेंगे जो कि हमें वर्षे में मिले हैं। कि भाई वो जिस तरह भगत सिंह ने कहा था ना कि वक्त आने पर बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। तो बस आखिरी ये लाइन कह के मैं अपना जगह लूँगा और अपने सदर के लिए जगह छोड़ूंगा कि मेहनत कश जग वालों से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक खेत नहीं, एक देश नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। जिदोजहद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद।